वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस नेता लगातार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और सांसद जयप्रकाश ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। भाजपा ये जो भी दिखाते हैं अपना संगठन वगैरह ये सब, तो वो संगठन तो इनका धरा का धरा रहेगा। पन्ना प्रमुख फलाना प्रमुख कुछ नहीं नजर आया, ये दिखावा ज्यादा है भाजपा का। और जमीन पर जो लोगों से जुड़ेंगे ही नहीं तो कोई संगठन काम नहीं करेगा। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कार्यकर्ता लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं संगठन हो तो अच्छा है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता उसके बावजूद भी उसकी बहादुरी देखो कितनी मेहनत करता है। कुछ आप बेनी फैसले में इनको नहीं कोई सीट मिली। 1987 में हरियाणा का रिकॉर्ड है कि 85 सीट आई थी, और आज इनके कुकर्म को देख करके और जो सोशल मीडिया पे 3 दिन से बहस चल रही है, ये प्रधानमंत्री का भाषण था क्या? बोले एक बच्चा था साइकिल चला हुआ था, वो गिर गया, दूसरा आया बोला कीड़ी मार दी तने। अरे प्रधानमंत्री जी जनता को बताओ पुलवामा इंक्वायरी कहाँ है? प्रधानमंत्री जी जनता को बताओ 2 करोड़ बच्चों को सालाना रोजगार देना था वो कहाँ है? प्रधानमंत्री जी बताओ कि इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की प्रधानमंत्रीशिप छोड़ी तो डॉलर था रुपया था शायद 64 रुपये का डॉलर, आज है 87, 88, 90 तक चला जाता है। आज बेरोजगारी कहाँ खड़ी है?